कानपुर देहात के अकबरपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की 6 साल पहले हत्या कर दी थी, जिसको लेकर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई कानपुर देहात के जिला एवं सत्र न्यायाधीश में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बड़े भाई को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है। कानपुर देहात के थाना अकबरपुर के बालापुर गांव निवासी रामकिशन ने 2 अगस्त 2016 को धारदार हथियार से हमला कर भाई की हत्या कर दी थी, जिसके बाद मृतक के बेटे रवि कुमार ने ताऊ गंगाराम, ताई रानी, उनके छोटे बेटे रिंकू व बेटी रीना के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पूरी करते हुए आरोपी गंगाराम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में अभियोजन ने 10 गवाह पेश किए थे। पूरे मामले की सुनवाई गुरुवार को कोर्ट में पूरी हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को भाई की हत्या का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और आर्थिक दंड भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।